सर्विसेज में क्या होता है, कुछ चीजें तुमने देखी होगी बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, लाइक म्यूजिक, तुमने ऐप बंद मतलब ऐप को क्लोज भी कर लिया लेकिन म्यूजिक चल रहा है, तो वो चीजें कैसे वर्कआउट करती है वो अच्छे से सीख लो। जैसे स्नेक का गेम खेलते हैं हम, तो फोन को थोड़ा टिल्ट करा तो स्नेक उस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, या कार का गेम हम बना रहे हैं तो कार में अगर हम इधर की साइड मूव करते तो इधर की साइड जाएगी। ऐसे ऐसे चीजें जो गेम बनते हैं वैसी चीजें तुम सेंसर्स का यूज करके हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें यूज कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ बहुत सारी जॉब्स हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, बट अच्छे एंड्रॉइड डेवलपर्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्ले स्टोर पे ऐप नहीं डाली हुई होती। हाय, माइसेल्फ पारेख हियर। सो यार, आज के सेशन में कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ऐप डेवलपमेंट में जो फील होती है ना, एक एक्सक्लूसिविटी वाली फील होती है। वेबसाइट फिर भी ऐसा लगता है यार ठीक है काफी लोग बना लेते हैं, बट ऐप जब तुम बनाते हो उसको प्ले स्टोर पे लॉन्च करते हो तो तुम दूसरों को दिखा पाते हो कि यार मेरी ऐप को ना डाउनलोड कर, है ना, वो जो फीलिंग है ना वो कोई नहीं छीन सकता तुमसे। सो मैंने भी अपने सेकंड ईयर में कंप्लीट ऐप बनाई थी, उसको प्ले स्टोर पे डाला था और मुझे बहुत मजा आया था उसको बनाने में। सो पूरा एक तुम्हें एक रोड मैप बताऊंगा कि क्या क्या सीखना होता है, कैसे कैसे करना होता है। सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो एंड तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा कैसे करना है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमेशा प्रीरिक्विजिट्स के बारे में कि एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखने से पहले हमें क्या क्या सीख के आना चाहिए। देखो यार, थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग अच्छे से आना चाहिए, थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर्स अगर करे हो सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल, और ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए ना, क्योंकि एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में जब भी करोगे तो ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होंगे। सो ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करो। बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रखी है, 100 से 150 प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है, डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज है, सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। उसके अलावा एक तुम्हारे को बहुत अच्छी चीज आनी चाहिए, गूगल करना थोड़ा आना चाहिए, है ना। नहीं आता तो एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं गूगल कर करके सीख लूंगा, क्योंकि बहुत जगह एरर आएंगे वो हमें रिजॉल्व करने होंगे, ठीक है। और फंक्शंस को थोड़ा अच्छे से यूज करना चाहिए, बिकॉज डेवलपमेंट में हमें रिपीटेटिव कोड कम लिखना होता है, तो हम फंक्शंस का यूज कर करके रिपीटेटिव कोड बचाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हमें ये प्रीरिक्विजिट्स क्लियर है तो हम रेडी हैं एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखने के लिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, किस लैंग्वेज में सीखें, है ना। आई थिंक एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए मोस्टली दो लैंग्वेजेस ही होती हैं, जावा या कॉटलिन। मैं प्रेफर आज की डेट में कॉटलिन करूंगा, मैंने अपने टाइम पे जावा सीखी थी। आई कॉटलिन क्यों? क्योंकि यार आज की डेट में जो कंपनीज है, जोमैटो है, वो लोग थोड़ा कॉटलिन डेवलपर्स को प्रेफर करते हैं ना, बिकॉज मोस्टली लोग नई टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, नई लैंग्वेज में आ रहे हैं, सो कॉटलिन में कर सकते हो। बट अगर और जावा अगर पहले से करी है तो जावा में भी कर सकते हो, बट बहुत आसान होता है कॉटलिन में शिफ्ट करना। जो भी तुमने जावा के कोड करे 10-15 कोड उनको कॉटलिन में कर लो, और तुम्हें कॉटलिन भी बहुत अच्छे से आ जाएगी। सो आई विल हाईली रिकमेंड यूज कॉटलिन, बट अगर मनी है जावा में ही करना है तो जावा में कर लो, ठीक है। बट इन दोनों में ही जनरली हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। सो 15-20 दिन लगते हैं हमारे को, लैंग्वेज भी आ जाएगी, उसमें हम बेसिक फंक्शनैलिटी सीख लेंगे और कॉटलिन में कंफर्टेबल हो जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा गिट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, है ना। मतलब मैं इसमें हाईली रिकमेंड करूंगा जो भी तुमने कॉटलिन में कोड्स करे उनको गिट पे डाल दो, तुम्हारी थोड़ी गिटहब की प्रोफाइल बनती रहेगी। जो भी तुम कोड करोगे थ्रू आउट द रोड मैप, जो भी तुम सीखोगे उसको गिटहब पे डालते रहोगे तो एक प्रोफाइल भी बनती रहेगी और तुम्हें समझ में आ जाएगा, बिकॉज कंपनीज में सब जगह गिट यूज होता है ना। सो हमें अभी अगर डेवलपर बनना है तो अच्छे से करते हैं, गिट को अच्छे से यूज करते हैं, गिट में पुश कैसे करते हैं, पुल कैसे करते हैं, वो सब हमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो तुम 7 से 8 दिन में अच्छे से गिट भी सीख लोगे, उसके लिए तुम गिटहब यूज कर सकते हो, बिट बकेट यूज कर सकते हो। गिटहब सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होता है, कोई सा भी यूज कर लो, फ्री है, बस थोड़ा पुश पुल वगैरह एड करना, कमिट करना, ये अच्छे से सीख लो एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल, ठीक है। अब हमने बेसिक चीजें कर ली है, लैंग्वेज में अच्छे हो गए हैं और हमने गिट में अच्छे हो गए हैं, और हमारा प्रीरिक्विजिट्स जो है वो भी हमने कवर कर लिया है। सो यार, अब हम रेडी हैं एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखने के लिए, है ना। और उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे। सो तुम्हारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, विंडोज में भी, लिनक्स में भी, मैक में भी। सो एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करो, थोड़ा सा बड़ा सॉफ्टवेयर होगा, सो मेमोरी रखना अपने लैपटॉप में, है ना। सो एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लो और बेसिक एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप कर लो, और समझ लो कि XML फाइल क्या होती है, थोड़ा सा XML फाइल्स के बारे में पढ़ लो, ड्रॉएबल फाइल्स होती हैं उसके अंदर, एक तुम्हारी मैनिफेस्ट फाइल होती है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ो कि इसका मतलब क्या होता है ना। सो थोड़ा सा एंड्रॉइड स्टूडियो हो जाएगा, और उसके बाद सबसे पहले एंड्रॉइड कॉम्पोनेंट होता है एक एक्टिविटी। एक्टिविटी इज लाइक अ स्क्रीन ऑन योर एंड्रॉइड, है ना। उस पर हेलो वर्ल्ड डाल के ऐप अपने फोन पे रन कर लो, या एंड्रॉइड एमुलेटर होता है, बस रन कर लो और एक बार ही चला लो, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि तुम्हारा एंड्रॉइड स्टूडियो ढंग से सेटअप है और तुम्हारी ऐप तुम्हारे फोन पे या एमुलेटर पे चल पा रही है ना। एमुलेटर क्या होता है, एमुलेटर इज जस्ट लाइक कि लैपटॉप पे तुम्हारा एक वर्चुअल फोन बना आ जाता है, उस पर भी तुम वर्क कर सकते हो, वरना अपना फोन भी यूज कर सकते हो। सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। अब हम एंड्रॉइड स्टूडियो से कंफर्टेबल हो गए, हमें एक्टिविटी बनाना आ गया,
वंस दैट इज डन, अब हम बेसिकली बेसिक जो चीजें यूज होती है एंड्रॉइड में, जैसे बटन कैसे डालेंगे, टेक्स्ट व्यू कैसे होगा, लेआउट्स होते हैं राइट, लीनियर लेआउट, जैसे तुम HTML में सीखते होंगे लेआउट्स वगैरह बनाना है ना, रिलेटिव लेआउट, कोऑर्डिनेटर लेआउट, कोऑर्डिनेटर लेआउट बहुत यूजफुल होता है बिकॉज आज की डेट में वही यूज हो रहा है ना। सो ये डिफरेंट लेआउट्स पढ़ो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाओ, उसको ऐप में दिखाने की कोशिश करो है ना। सो लेआउट से कंफर्टेबल हो जाओ, डिफरेंट विजेट्स जो है, बटन, टेक्स्ट दिखाना और बेसिकली एडिट टेक्स्ट करना है ना, एक होता है टेक्स्ट बस दिखा रहे हैं, एक उसको एडिट भी कर सकते हैं, ऐसी ऐसी छोटी मोटी चीजें कंपोनेंट्स वगैरह बना के अपनी ऐप में उसके अराउंड प्ले अराउंड करो और उसको बनाना शुरू करो ठीक है। हमें बेसिक एंड्रॉइड कंपोनेंट्स आ जाएंगे, उसके बाद हमें इंटेंट सीखना होगा। इंटेंट्स का मतलब क्या होता है, हमें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना है राइट, या एक ऐप से कहीं बार दूसरी ऐप पे भी जाना होता है। जब तुम PDF कोई व्यू करते हो तो तुम एक ऐप से दूसरी ऐप पे जाते हो, तो इंटेंट्स थोड़ा सा अच्छे प्ले अराउंड करो कि मैंने इस बटन पे क्लिक करा, अच्छा मैं दूसरी स्क्रीन पे चला गया। सो हमें मल्टीपल स्क्रीन यूज करने आ गई, मल्टीपल विजेट्स यूज करने आ गए, बटन पे क्लिक करके ऐसे करते हैं वगैरह वगैरह। सो हमें बेसिक एंड्रॉइड कंपोनेंट यूज करना आ गया, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा पा रहे हैं, बेसिक बेसिक चीजें हमारी अच्छे से हो गई है ना। अब यहाँ का क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ब्रेक लेके ना एक थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज बना सकते हो, जैसे तुम टिक टैक टो का गेम बना सकते हो है ना, या फिर तुम क्या बना सकते हो, तुम एक माइंड स्वीपर की गेम बना सकते हो, ऐसे ऐसे थोड़े बहुत बेसिक गेम्स बनाओ, या फिर तुम बेसिकली कन्वर्ट डॉलर इनटू रुपी का एक सिस्टम बना सकते हो कि डॉलर को मैं इनपुट डालूंगा वो मुझे रुपी में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ऐसे चीजें बेसिक चीजें बनाना शुरू करो और इसको अच्छे से बनाओ, और वो एक ऐप अपने में रख लो, कैलकुलेटर ऐप बना लो, कुछ भी बना लो, बट जस्ट मेक इट, बिकॉज जितना तुम्हें आना चाहिए वो तुम्हें अब आ गया राइट। तो हमने एक बेसिक सा बनाया और फिर अब हम आगे बढ़ेंगे है ना। आगे बढ़ने में क्या होता है, अब हम कॉम्प्लेक्स UI डिजाइन पढ़ते हैं। सो कॉम्प्लेक्स UI डिजाइन में मतलब क्या होता है, अभी तुम बेसिकली बेसिक टेक्स्ट दिखा रहे थे, बटन्स वगैरह दिखा रहे थे, अब एक्चुअली लिस्ट दिखाओगे राइट। मान लो तुम एक टू डू लिस्ट बना रहे हो, तो एक लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए हम लिस्ट व्यू पढ़ते हैं, बट उससे भी बेटर होता है एक रिसाइक्लर व्यू, उसमें स्क्रोल होता है ना लिस्ट में, तो स्क्रोल बहुत सही से चलता है वो रिसाइक्लर व्यू में है ना। हम एक टोस्ट के बारे में पढ़ते हैं, टोस्ट मतलब मान लो कोई ईमेल जाती है तो एक छोटा सा नीचे लिखा आता है मेल सेंट, वो कैसे वर्क करता है ना। उसके अलावा क्या होता है, डायलॉग्स दिखाते हैं हम, जब वो किसी को डिलीट करने को बोलते हैं वो येस और नो का ऑप्शन आता है, तो वो डायलॉग्स कैसे चलते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रेगमेंट्स, तो जब भी तुम कोड कर रहे हो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में, मैंने क्या बोला था, एक्टिविटी होती है, क्या बोलता है एंड्रॉइड की यार फ्रेगमेंट्स यूज करो, एक फ्रेगमेंट ना मल्टीपल एक्टिविटीज में यूज होता है, जैसे मैं सर्च बार बोलता था तुम्हें, या तुम्हें टॉप बार पे एक फिक्स रहती है चीजें, तो वो फ्रेगमेंट डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज हो जाता है, तो फ्रेगमेंट से हमें कोड करना थोड़ा कंफर्टेबल होना है। इसके अलावा तुम्हारे टैब्स कैसे यूज होते हैं, नेविगेशन ड्रॉवर होता है, जब तुम टॉप लेफ्ट पे क्लिक करते हो तो एक नेविगेशन साइड में बनाता है, वो सब चीजें कैसे वर्क करती है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिजाइन करना अब हम सीखेंगे है ना। इसके अराउंड बस प्ले अराउंड करेंगे कि ये चीज कैसे होती है, वो चीज कैसे होती है, ये सब जो चीजें मैंने बताई हैं, डायलॉग्स, टैब्स और फ्रेगमेंट्स, ये सब चीजें कैसे चलती है, ये अब हमें अच्छे से समझ लेना है राइट। वंस दैट इज डन, अब उसके बाद जब मैंने लिस्ट का बोला, तुमने एक लिस्ट में दिखा दिया है ना, टू डू लिस्ट बना दी, अभी क्या होगा, तुमने बना दी, तुम ऐप बंद करोगे, फिर वापस आओगे, वो लिस्ट तो पूरी उड़ गई है ना, तो वो डेटा कैसे स्टोर करें, वो डेटा कैसे मैनेज करें है ना। उसके लिए हमें पढ़ना होता है कि इंटरनली, अभी हम किसी डेटाबेस का नहीं यूज करेंगे, हम इंटरनल एंड्रॉइड ही हमें चीजें देता है, जैसे शेयर्ड प्रेफरेंसेस देता है, वो एक इंटरनल डेटाबेस देता है, उसके थ्रू हम इंटरनल ही तुम्हारे फोन में एक मेमोरी यूज करके तुम्हारा डेटा सेव हो जाएगा, जिससे कि तुम ऐप दोबारा खोलो तो उस लिस्ट में से डेटा ना उड़ा पाओ। तो हम वो स्टोर कैसे करते हैं उसको अच्छे से सीखेंगे। उसको सीखने के टाइम तुम एक कॉन्टेंट प्रोवाइडर के नाम की चीज पढ़ते हो, कि एक सेंट्रल है, वहां से सब कुछ डेटा रीड होगा, वहीं पर से सब कुछ डेटा राइट होगा, तो तुम्हारा एक सेंट्रल पॉइंट है कि जब भी तुम्हें डेटा रीड करना है या राइट करना है वो कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू होगा। सो वो चीजें बहुत अच्छे से तुम सीख लेते हो राइट। इसके बाद तुम थोड़ा बिल्ड के कॉन्सेप्ट सीखते हो, कि बिल्ड, तुम्हारे कुछ एरर्स आएंगे कि बिल्ड नहीं हो रहा, मल्टी थ्रेडिंग के बारे में सीखते हो कि मल्टी थ्रेडिंग कैसे चलता है, कुछ कुछ उसके एरर्स आएंगे उसको ठीक करोगे, मेमोरी लीकेज के इश्यूज आ सकते हैं उसको ठीक करोगे, ये बेसिक बेसिक चीजें तुम बिल्ड के टाइम क्या क्या दिक्कतें आती है उनको रिजॉल्व करोगे। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, गूगल कर करके रिजॉल्व होते हैं, कोई भी एरर आए गूगल करो उसका सोल्यूशन मिलेगा तुम्हें स्टैक ओवरफ्लो पे, अच्छा उसको देख के हमने ठीक कर लिया ठीक है। अब हमें क्या क्या आ गया, अब हमें लिस्ट बनानी आ गई, लिस्ट को स्टोर करना भी आ गया, सो बहुत सारी चीजें अब हम सीख गए। तो इसके बाद ना कुछ अदर इंपॉर्टेंट एंड्रॉइड कंपोनेंट्स होते हैं जो काफी यूजफुल होते हैं, विच आर टू थिंग्स, सर्विसेज एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर। सर्विसेज में क्या होता है, कुछ चीजें तुमने देखी होगी बैकग्राउंड में चलती रहते हैं, लाइक म्यूजिक, तुमने ऐप बंद मतलब ऐप को क्लोज भी कर लिया लेकिन म्यूजिक चल रहा है, तो वो चीजें कैसे वर्कआउट करती है वो अच्छे से सीख लो। फिर उसके बाद क्या सीखोगे तुम, एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर, नोटिफिकेशन कैसे भेजते हैं, अलार्म्स कैसे आते हैं ना, दैट इज हाउ यू नीड टू लर्न, कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर कैसे चलता है।
तो वो एक इंटरेस्टिंग दो, ये दो चीजें हैं जो तुम्हारी ऐप को बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देती हैं, है ना। तो जब हमें ये चीजें आ गई, अब हमें ऑलमोस्ट काफी चीजें आ गई हैं, डेटा स्टोर करना आ गया है, नोटिफिकेशन भेजना आ गया है, बैकग्राउंड में चीजें चलानी आ गई हैं, तो अब हम इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। देखो ये चीज हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं हमें साथ साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने होंगे, तभी हम सीखेंगे, है ना। तो अब हम कैसी चीजें बना सकते हैं, तो टू डू लिस्ट बना सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, मैंने अपने टाइम पे बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप बनाई थी, क्या थी वो, कॉल स्क्राइब नाम की ऐप थी। तो क्या होता है, कॉल एंड होने पे यू कैन मेक स्मॉल नोट्स, तो तुम्हारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी यूज होएगा कि कॉल एंड होने पे पता लगेगा तुम्हें कि कॉल एंड हुई है, एंड नाउ यू आर मेकिंग नोट्स, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग ऐप हो जाती है, और ये मैंने प्ले स्टोर पे डाली थी एंड अच्छे खासे डाउनलोड भी थे, तो तुम भी ऐसी ऐप ट्राई कर सकते हो। तो लर्निंग भी सही हो जाती है कि जो भी हमने सीखा वो हम यूज कर पा रहे हैं और प्रैक्टिकल यूज कर पा रहे हैं, राइट। तो हम ये वाले इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पे हम काम कर सकते हैं, दैट विल बी रियली फ्रूटफुल, है ना। इसके अलावा तुम और चीजें बना सकते हो, तुम्हें ट्यूशन के नोट्स बनाने हैं, स्टॉप वॉच बनानी है, ऐसी ऐसी चीजें तुम बना सकते हो, राइट। स्टॉप वॉच में तुम्हारी अलार्म्स वाला ब्रॉडकास्ट रिसीवर यूज हो जाएगा, है ना। तो ये चीजों पे हम वर्क कर सकते हैं। नाउ अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स चीजों पे चलते हैं, विच विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। अभी तक क्या था, हम खुद का डेटा यूज कर रहे हैं, सब कुछ डेटा खुद डाल रहे हैं, डेटा राइट कर रहे हैं, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, APIs का यूज करेंगे। अब हम इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट किस पे बनाएंगे, APIs का यूज करके बनाएंगे। क्रिकबस की API यूज कर सकते हैं ना, या फिर हम क्रिकबस की API यूज करके हम प्लेयर्स को कंपेयर कर सकते हैं, या हम ट्रिवागो की API यूज कर सकते हैं कि हमें कुछ ट्रिप्स के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ऐप बनानी है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में। तुम्हें सॉन्ग्स के कॉरस्पॉन्डिंग करना, तो उसकी API यूज कर सकते हो, मतलब एक्सटर्नल वाले से डेटा यूज करेंगे और अपनी ऐप में दिखाएंगे, राइट। न्यूज फीड की ऐप यूज कर सकते हो, ऐसी ऐसी चीजें बना सकते हो। उसके लिए तुम्हें नेटवर्किंग के लिए रेट्रोफिट पढ़ना होता है ना, वो तुम्हारी अच्छे से API कॉल करता है ना, उसमें मल्टी थ्रेडिंग पढ़नी होती है कोर रूटीन्स के थ्रू, वो चीजें अच्छे से समझोगे। सो ये चीजें जब तुम कर लेते हो, तो तुम्हारे को एक्सटर्नल डेटा का यूज करके हम इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और कुछ बनाना, क्योंकि तुम्हें ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी आता है, सब कुछ आता है, तो तुम नोटिफिकेशन भी भेज सकते हो, और तुम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का यूज करके तुम इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बना सकते हो। मैंने आइडियाज दे दिए हैं, अगर आइडियाज की और जरूरत हो तो एक अंकुश भैया की वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा एंड्रॉइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आइडियाज पे, उससे तुम आइडियाज और रेफर कर सकते हो, है ना। बट हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज करके हम इंटरेस्टिंग चीजें अब हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर एक एंड्रॉइड का जेट पैक होता है, कि एंड्रॉइड में बहुत सारे डेवलपर्स ने खुद ने एंड्रॉइड ने काफी सारे हमें कोड ऑलरेडी दे रखा है, कि हमें कुछ पेजिनेशन डालना होता है ना, कि वन पहले यहाँ पे जाएगा फिर नेक्स्ट पे जाएगा, तो पेजिनेशन के लिए उसने आसान काम कर रखा है। नेविगेशन ड्रॉअर के लिए कुछ कुछ चीजें इंटरेस्टिंग दे रखी है, कुछ सर्च के लिए इंटरेस्टिंग चीजें दे रखी है, तो ऑलरेडी बना बनाया कोड हमें कुछ चीजों का मिल जाता है ना। तो एंड्रॉइड जेट पैक में चीजें पढ़ोगे। नाउ वंस दैट इज डन, अब तुम एक्चुअली आर्किटेक्चर कोड लिखोगे, मतलब सो कोड का आर्किटेक्चर क्या होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन कहीं पर है, फ्रेगमेंट्स कहीं पर है, API कॉल कर रहे हैं कहीं पर भी, कुछ भी हमें स्ट्रक्चर्ड कोड आर्किटेक्चर कोड नहीं लिख रहे हैं। तो आर्किटेक्चर कोड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मॉडल व्यू व्यू मॉडल फ्रेमवर्क, मतलब मॉडल्स का कोड एक जगह है, तुम्हारे जो भी स्क्रीन के व्यूज दिखा रहे हो वो एक जगह है, सारा बिजनेस लॉजिक मॉडल्स में लिखा हुआ है, तुम्हारे सारे मॉडल्स एक जगह है, ऐसा स्ट्रक्चर्ड कोड बनाना है, बिकॉज कंपनीज यही प्रेफर करती है। वहां पर क्या होता है, कोड अगर फटता है तो एरर रिजॉल्व करना, अगर तुमने ये MVVM फ्रेमवर्क फॉलो कर रखा है तो अच्छे से जल्दी वो एरर रिजॉल्व हो पाएगा। तो हम थोड़ा आर्किटेक्चर कोड हम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। दैट विल बी रियली हेल्पफुल, दैट विल मेक अस अ स्टैंड आउट एंड्रॉइड डेवलपर, कि कोड करना तो आता ही है, ऐप बनाना तो आता ही है, बट स्ट्रक्चर्ड ऐप बनानी आती है, ठीक है। इस पे हमें अच्छे से फोकस करना है। फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीजें यूज कर सकते हो, एंड्रॉइड में सेंसर्स होते हैं, मैग्नेटोमीटर, एक्सेलरोमीटर, ऐसे ऐसे चीजें यूज कर सकते हो। तो उसमें इंटरेस्टिंग क्या होता है, जैसे स्नेक का गेम खेलते हैं हम, तो फोन को थोड़ा टिल्ट करा तो स्नेक उस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, या कार का गेम हम बना रहे हैं तो कार में अगर हम इधर की साइड मूव करते हैं तो इधर की साइड जाएगी, ऐसे ऐसे चीजें जो गेम बनते हैं वैसी चीजें तुम सेंसर्स का यूज करके हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें यूज कर सकते हैं, है ना। कि हम यूजर ने अगर ये करा है तो उसका इंटेंट ये है, ऐसी ऐसी चीजें जो बहुत सही होती है सेंसर्स का यूज करके। और इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, ये केवल ऐप के लिए होता है, वेबसाइट में तो तुम लैपटॉप इधर उधर नहीं लाओगे ना, बट ऐप में तुम फोन इधर उधर हो रहा है तो क्या कर सकते हो, वो चीज तुम अच्छे से यूज कर सकते हो। सो सेंसर्स का यूज कर लेंगे। उसके बाद फायरबेस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड्रॉइड ऐप डेवलपर्स के लिए, स्पेशली फॉर दोस्त जिनको बैकएंड नहीं आता। तो अभी क्या है, तुम डेटा भी बाहर से रिट्रीव कर रहे थे या इंटरनली खुद से क्रिएट कर रहे थे, बट जब बड़ा डेटा बनाना है तो हमें या तो फायरबेस यूज करना पड़ेगा, या अपना कोई भी जो हमने बैकएंड सीखा हुआ है, रेल्स में सीखा हुआ है, जैंगो में सीखा हुआ है, जिसमें भी सीखा हुआ है, नोट जेएस में सीखा हुआ है, या तो वो यूज कर सकते हैं, बट हमारा एक फ्रेंड होता है फायरबेस जो हमें ये सारी चीजें देता है,
है ना, उस पर बैकएंड बनाना होता है, थोड़ा फायरबेस के बारे में पढ़ेंगे कि उस पर मॉडल्स कैसे बनाते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। बट अगर बैकएंड ऑलरेडी किसी और चीज में आता है तो वो यूज कर लेना, फायरबेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ वंस दैट इज डन, तो हम बड़ा डेटा भी बना पा रहे हैं, सेंसर्स का भी यूज कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं। अब हमें एक ऐप ऐसी बनानी है जो हम फाइनली प्ले स्टोर पर डालेंगे, तो हम 30 से 45 दिन लग के एक बढ़िया ऐप बनाएंगे, हो सकता है उसमें 60 दिन लगे, 75 दिन लगे, बट एक बढ़िया ऐप बनाएंगे, एक बड़ी ऐप बनाएंगे जिसको हम प्ले स्टोर पर डाल पाएंगे, है ना। हो सकता है तुम एक बढ़िया सा म्यूजिक प्लेयर बना दो, है ना, कि बहुत से इंटरेस्टिंग चीजें बना सकते हैं, यूजर खुद की प्लेलिस्ट बना पा रहा है, होती है ऑलरेडी ऐप, बट थोड़ा बड़े लेवल पे, थोड़ा तुमने उसमें ML यूज कर लिया, तो फायरबेस में जब तुम पढ़ते हो तो उसमें मशीन लर्निंग भी यूज जाती है, तो फायरबेस का मशीन लर्निंग यूज कर ली, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट कर लिया और तुमने अपनी ऐप को एक बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया, या कोई ई कॉमर्स की ऐप बना दी, या फिर किसी कोई सोशल मीडिया ऐप बना दी जिसमें तुम स्टोरीज का यूज कर रहे हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग पार्ट कर रहे हो और तुम एक बड़ी सी ऐप बना दी, फाइनली उसको प्ले स्टोर पर डालना है, तो तुम्हें गूगल प्ले के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि प्ले स्टोर पर कैसे डालते हैं, 5-6 दिन का काम होता है। अगर ऐप अच्छे से रेडी है उसको तुम्हें फाइनली प्ले स्टोर पर डालना होगा और वो तुम्हें एक कंप्लीट एंड्रॉइड डेवलपर बनाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमें प्ले स्टोर पर डालना है, बट उससे पहले थोड़ा सा एक बड़ा प्रोजेक्ट डालना है, छोटी मोटी ऐप मत डालना, बड़ी ऐप डालना, दैट विल बी रियली यूजफुल। ठीक है, इससे हमारा पूरा एंड्रॉइड डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगा, हमें अच्छे से कवर हो जाएगा और हमें समझ में आ जाएगा कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट कैसे करना था। मैं बता रहा हूं बहुत सारी जॉब्स हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, बट अच्छे एंड्रॉइड डेवलपर्स नहीं होते, क्यों? क्योंकि उन्होंने प्ले स्टोर पर ऐप नहीं डाली हुई होती। तो अगर प्ले स्टोर पर ऐप नहीं है ना, तुम नहीं शोकेस कर पाओगे कि तुम एक अच्छे एंड्रॉइड डेवलपर हो। प्ले स्टोर पर ऐप है तो बहुत से एंड्रॉइड डेवलपमेंट होती है, क्यों? क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च ही अच्छी ऐप होने देता है, तो वो बेसिकली चेक करता है अपने एंड पे कि कैसी ऐप है, क्या यूज कर रहे हैं। तो अगर प्ले स्टोर पे हो तो दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट पॉइंट, है ना, हमें ये अच्छे से करना चाहिए। एक लास्ट एक्स्ट्रा पॉइंट है, तुम्हें करना है करो, नहीं करना मत करो, बट यूनिट टेस्टिंग, ये तुम्हारी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट टेस्टिंग करना, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लिखना अपनी एंड्रॉइड ऐप के लिए कि फटे ना ऐप, है ना। सो बेसिकली ऐप में कोड नहीं फटना चाहिए, तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग सीख सकते हैं, बट ये तुम आफ्टर लॉन्चिंग द ऐप कर सकते हो कि अब हम टेस्ट लिख रहे हैं कि ये सब चीजें हमारी ऐप में कवर्ड है और हमारी ऐप में कोड नहीं फटेगा। ठीक है, सो ये सब चीजें अगर हमने कर ली, इस पाथ को फॉलो करके कर लिया, आई टेक अ गारंटी तुम अच्छे से एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीख जाओगे। और अगर तुम्हें सीखना है तो हमारा एक कोर्स भी है एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का, वो मैं लिंक डलवा दूंगा उसको भी डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके तुम कोर्स भी रेफर कर सकते हो। खुद से सीखना है तो बिल्कुल खुद से भी सीख सकते हो, एंथू होना चाहिए, सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए और बढ़िया सी ऐप तुम्हारी बन जाएगी। ओके, चलो, ग्रेट।